नखीब मिलत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर जिला सरदार AIMIM नलगुंडा मोहम्मद रजीउद्दीन एडवोकेट के सदारत में आज पार्टी ऑफिस में सहाफी इल्जास में 1/1/2023 बहरोज इतवार को एक फ्री मोटिवेशन कैंप मुनाकिब करने का फैसला हुआ, जिसके तहत जिलों के आवाम को खदीम प्रॉपर्टीज को म्यूनसिपाली के जरिए चेंज ऑफ नेम करवाने प्रोसीजर का अवेयरनेस दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में जनाब शेख मोइन गौस मोहम्मद नुसरत खान नदीम मुदसर मोहसिन वगैरह शामिल थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिरादरान मिल्लत जिला नलगुंडा से आज एक बहुत ही अहम और जरूरी प्रोग्राम अवेयरनेस कैंप को लेके हम लोग ये वीडियो मैसेज के जरिए प्रेस मीट में दे रहे हैं, जिसकी अहम बात यह है कि नलगुंडा जिला के जितने भी टाउन्स है, नलगुंडा मिरियालगुड़ा देवरकुंडा चौटुपल नकरेकल सूर्यापेट भोनगिर हजूरनगर कोदाड़, तमाम टाउन्स में रहने वाले जो भी मुकामी लोग हैं और वो लोग के जो प्रॉपर्टी के मसले मसाइल हैं, वो प्रॉपर्टी के मसले मसाइल को लेके हम लोग आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जेर एहतमाम सदर मजलिस मरकजी मजलिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे और उनके मशवरे पे ये प्रोग्राम को हम लोग डिजाइन किए, और इसका अहम उन्वान ये है कि म्यूटेशन अवेयरनेस कैंप, यानी कि अब आप लोग को इस ताल्लुक से थोड़ा इनडेप्थ डिटेल्स देना बहुत जरूरी है कि जिले में ओल्ड सिटी के एरिए जितने भी आते हैं, जहां कहीं भी मुसलमान तबके के लोग और दलित एससी कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कदीम जमाने से चलते आ रहे हैं प्रॉपर्टीज है, जो लोग आज साकिन है मुखामी यानी कि जिस घरों में रह रहे हैं वो घर भी बहुत कदीम जमाने से पहले कंस्ट्रक्शन करे से जमाने से है। अब आज से 50 साल 60 साल 70 साल पुराने घर है। अब वो घरों का ताल्लुक से जो टाइटल है वो टाइटल हर एक घर का टाइटल प्रॉब्लम है, तो 90% हम लोग सर्वे करे हैं तो घर में जो लोग मुकाम में अब रह रहे हैं ओनर के साबित हो रहे उनके नाम पे टाइटल नहीं है घर का, वो टाइटल उनके दादा परदादा जिसी के पास खरीदे थे वो पुराने ओनर्स के नाम पे ही चलता रहा है। हत्ता के म्यूनिसपालिटी रिकॉर्ड्स में भी जो PTIA नंबर रहता है वहां पे भी आज भी वो पुराने ओनर्स जो है वो ओनर्स के नाम पे ही चल रहा है, लेकिन रह रहे अब इस वक्त जो मुकाम पे रह रहे वो लोग जो है सो अब उनके वारिसान हैं जो खरीदे उनके पास से। अब इसमें इतना लापरवाही की गई या फिर हमारे लोगों की नादानी थी, बहरहाल जो भी बोल सकते उसको, उसमें क्या हो गया चेंज ऑफ नेम जो कराने का रहता प्रॉपर्टी का म्यूनिसपालिटी में कंसर्न म्यूनिसपालिटीज में वो ग्राम पंचायत में वो लोग नहीं करा, उस वजह से ऑन रिकॉर्ड में टाइटल में वो लोग का नाम नहीं है जो कि एक्चुअल ओनर्स है। ऑन रिकॉर्ड में पुराने जो ओनर्स है जो लोग बेच चुके हैं फरोख्त कर चुके थे उन्हीं का नाम आ रहा है। इसकी वजह से क्या अहम मसला हो रहा है वो एक बात मैं आप लोग को यहां से इस वीडियो मैसेज से दे रहा हूं कि गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स आ रहे उसमें सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला स्कीम अभी हमारे वजीर आला जनाब KCR साहब अनाउंस करे कि हर एक खवातीन जिसके भी नाम पे 100 गज भी जमीन होगी उसको 3 लाख रुपए दिया जाएगा या 5 लाख रुपए दिया जाएगा, वो यानी कि वो स्कीम अभी लॉन्च होने वाला है। अब वो इलेक्शंस का मोमेंट है, कभी भी बेनिफिशियरी के जो है स्कीम्स आ सकते हैं, अब जहां कहीं भी ऐसे स्कीम्स आ रही हमारे लोग को इसके अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो स्कीम्स में एलिजिबिलिटी हासिल नहीं हो रही, काबिलियत हासिल नहीं हो रही एप्लीकेशन करने, उसीलिए हम लोग का ये सर्वे रहा और ये जिद्दोजहद कोशिश रही, क्योंकि ये गुर्बत हमारे तबके में जो है वो एक मादी हकीकत है, यानी कि उससे कोई मकरू नहीं हो सकते,
वो गुर्बत को हटाने के लिए जितने कोशिश हम लोग करना है, वो कोशिश के तहत हम लोग ये स्कीम बनाए हैं, जिसमें हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से ये एक मॉडल फॉर्मेट बनाए। ये फॉर्मेट हम लोग कल से हर घर के पास, हर म्यूनसिपालिटी वार्ड में जितने भी है इस्लाम एरियाज में, जितने भी पुराने घर है, वो हर घर को हम लोग ये फॉर्म्स बांटेंगे। ये फॉर्म्स को लेके बराबर एक तारीख के दिन, यानी कि न्यू ईयर का फर्स्ट डे रहेगा, एक जनवरी के दिन 2023 के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दफ्तर प्रकाशम बाजार की तरकारी की मार्केट में जो है, वहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। वहां पे आप लोग ये फॉर्म्स को लेकर आइए। अगर जो लोग भर सकते हैं उनके पास डिटेल्स है तो भरिए, या नहीं तो वो फिलअप नहीं कर सक रहे हैं तो उनके पास जो भी कागजात मौजूद है, उनके पास पुराने नए टैक्स बने सो रसीद, नल का बन, नल की बिल बने सो रसीद, या नहीं तो पुराने जमाने में जिसके पास से खरीदे उनके पास से कुछ रजिस्ट्री हुआ हुआ तो रजिस्ट्री, वरना अगर बॉन्ड पेपर पे अगर कोई साइन करवा लिए तो वो, जो कोई भी यानी कि कागज मौजूद रहेगा वो कागज लेकर यहाँ पे आ जाइए। हम लोग ये फॉर्म, हमारी पूरी टीम मेंबर्स आप लोग की सर्विस में यहाँ पे मुफ्त में आप लोग को फ्री अवेयरनेस देंगे, इसका फॉर्म भरेंगे। उसके बाद भी म्यूनसिपालिटी में, बल्दिया में, ये टाउन प्लानिंग सेक्शन में और रेवेन्यू सेक्शन में इसका कैसा तब्दील करना है नाम, और जो हकदार है, जो खरीदा जो बरसों से रह रहा है उसके नाम पे कैसा तब्दील करना, उसके लिए पूरा प्रोसीजर हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सीनियर मोस्ट लीडर्स मोइन भाई भी दो बार के काउंसलर है, उनको भी तकरीबन तजुर्बा है इस चीज का, और गौस साहब को भी है तजुर्बा, और जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं आप लोग की खिदमत में यहाँ पे फॉर्म्स फिलअप करेंगे और उस ताल्लुक से चेंज ऑफ नेम का पूरा पूरा काम करके देंगे। और इसके बाद में अब क्योंकि आजकल तो बुलडोजरों की सियासत चल रही, अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना महफूज है, लेकिन पता नहीं आगे मुस्तकबिल कैसा रहेगा, लिहाजा हर किसी को अपने अपने जायदादों की टाइटल को मेंटेन करने की सख्त से सख्त जरूरत है। जो लापरवाही आपके पुरखों ने किया है उस लापरवाही को आप लोग नहीं करते हुए, फौरी जमात हमारे आप लोग के खिदमत में है, इसलिए हमारी जमात के पास आज हमारे खिदमत देने के लिए गुजारिश करते हुए मैं रुख्सत दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।